नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। आपदा के चलते सेब सीजन ने नहीं पकड़ी रफ्तार, कुल्लू में 600 ट्रक खड़े। सेब सीजन का भार अपने कंधों पर लेने वाले ट्रक ऑपरेटरों का कारोबार पिछले करीब 1.5 महीने से ठप हो गया है। सेब सीजन के बीच कुल्लू में करीब 600 ट्रक खड़े हो गए हैं। कुल्लू और मंडी के बीच नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने की मार ट्रक ऑपरेटरों पर पड़ी है। सेब सीजन में कुल्लू में ट्रकों की आवाजाही अधिक देखने को मिलती थी, लेकिन नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने से बंद है। कुल्लू मंडी सड़क वाया कटोला पर छोटे वाहनों की ही आवाजाही की अनुमति है। नड्डा ने सिरमौरी ताल में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया, बोले दी जाएगी हर संभव मदद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को सिरमौर जिला के अंतर्गत सिरमौरी ताल क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान नड्डा ने कहा कि आपदा की इस घटना से प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री बहुत चिंतित है। मैं उनकी तरफ से पीड़ितों से मिलने आया हूँ। केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और ना ही रहेगी। हर संभव आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जाएगी। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो उनसे सारी बात करके फिर आगे केंद्र के पास मुद्दा रखा जाएगा। राज्य सहकारी बैंक में भरे जाएंगे सहायक प्रबंधकों के 64 पद, जाने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में सहायक प्रबंधकों के 64 पद भरे जाएंगे। राष्ट्रीय एजेंसी IBPS मुंबई के माध्यम से ये भर्ती होगी। 8 सितंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। बीते वर्ष विज्ञापित 61 पदों के लिए विधानसभा चुनाव के चलते भर्ती नहीं हो सके थी। पूर्व में आवेदन करने वालों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा। नए आवेदकों के लिए आवेदन करने का मौका है। बैंक प्रबंधक ने बीते वर्ष विज्ञापित 61 पदों में 3 और नए पद को जोड़ दिया है। भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय एजेंसी IBPS मुंबई के माध्यम से 2 चरणों में ली जाएगी। प्राकृतिक आपदा से शिमला में पर्यटन कारोबार ठप, होटलों में ऑक्यूपेंसी 1-2% तक पहुंची। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में हुई भारी बारिश से खूब तबाही मचाई है। शिमला में रेल सेवा पिछले 1 सप्ताह से बंद पड़ी है। कल का शिमला नेशनल हाईवे भी लगातार बंद हो रहा है। भूस्खलन व शहर में हो रहे नुकसान के बाद पर्यटकों ने शिमला का रुख करना ही बंद कर दिया है। हालात ये है कि शिमला शहर व इसके साथ लगते पर्यटन स्थलों में होटल पूरी तरह खाली है। कुछ होटलों में ऑक्यूपेंसी 1-2% है। वीकेंड पर होटलों में ऑक्यूपेंसी रहती थी, लेकिन इस सप्ताह वो भी नहीं है। जुलाई अगस्त में पीक पर रहने वाला पर्यटन कारोबार अगस्त महीने में पूरी तरह ऑन द मूव गिर गया है। लेह सड़क हादसे में हिमाचल के जवान विजय ने भी गवाई जान। PM सहित कई नेताओं ने जताया दुख। लद्दाख में बीते शनिवार को सेना की एक गाड़ी 60 फीट खाई में गिर गई, जिसमें 9 जवानों ने दम तोड़ दिया है। इस घटना में शिमला जिला का जवान भी शहीद हुआ है। सेना के काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी, जिसमें 34 जवान सवार थे। शहीद जवान नायक विजय शर्मा पुत्र बाबू राम शर्मा निवासी गांव डिमड़ी ब्लॉक बसंतपुर शिमला ग्रामीण का रहने वाला था। सेना की ओर से आधिकारिक जानकारी परिवार को दे दी गई है। शहीद जवान शव को चंडीगढ़ तक हवाई जहाज के द्वारा लाया जाएगा, जबकि वहां से शिमला तक वाया सड़क मार्ग से शव को पहुंचाया जाएगा। शहीद विजय शर्मा अपने पीछे माता पिता, पत्नी व दो बच्चे छोड़ गए हैं। राहत COA ने NIT हमीरपुर में आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स के लिए दी मंजूरी। NIT हमीरपुर में बिना मान्यता आर्किटेक्चर कोर्स शुरू करने का विवाद शनिवार को खत्म हो गया है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने NIT को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आर्किटेक्चर कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। NIT रजिस्ट्रार डॉक्टर अर्चना नानोती और आर्किटेक्चर विभाग के HOD समेत 3 सदस्यीय टीम ने गत दिवस दिल्ली में COA के अध्यक्ष से मुलाकात कर विद्यार्थियों को पेश कर रही समस्याओं से अवगत करवाया था।